हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम बनाने वाले हैं ड्रैग फंक्शनैलिटी अडोब एक्सटी में और जानेंगे इसका यूज़ क्या क्या होता है और किस तरीके से ड्रैग हम यूज़ कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ में। तो इसके लिए मैंने अभी एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लिया है। आपने एक सीरीज़ देखी होगी मनी हाइस्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है, जो रॉबर्स होते हैं, जो रॉबरी करते हैं, वो अपने फेस पर एक मास्क लगा कर रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही बनाने की कोशिश की है। इसमें जो पहली स्क्रीन होगी उसमें मास्क के साथ सारी टीम होगी और जैसे ही आप इसको राइट की तरफ ड्रैग करोगे सारे फेसेस रिवील होने शुरू हो जाएंगे। तो ड्रैग को हमने कुछ क्रिएटिवली इस तरीके से यूज़ करने की इसमें कोशिश की है। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से मैंने इसे बनाया है XD में। तो यहाँ पर मैंने अपना XD खोला हुआ है और एक्सरसाइज फाइल मैं खोल लेता हूँ। ये ऑलरेडी मैंने फ़ाइल बना के रखी हुई है, तो यहाँ से मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। चलिए देखते हैं किस तरीके से ये फाइल मैंने बनाई है। तो यहाँ पर ये दो इमेज आप देख रहे होंगे, एक विद मास्क और एक फेसेस जिसमें रिवील हो रखे हैं और ऊपर मनी हाइस्ट का लोगो और एक लाइन रिवील होती है। तो पहले इसका एक क्विक व्यू हम देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो इसमें मैंने किया क्या है, अब इसमें दो इमेजेस हैं और जैसे ही आप इसको राइट की तरफ स्लाइड करोगे फेसेस और लाइन रिवील होती चली जाएगी और जैसे ही आप इसको लास्ट में छोड़ेंगे एक साउंड प्ले हो जाएगा। ये साउंड आप सुन रहे होंगे और जैसे ही आप इसको बैक लाएंगे साउंड आपका बंद हो जाएगा। तो यही एक ट्रांजिशन अभी हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले एक आर्टबोर्ड मैं इसमें ले लेता हूँ, प्रेस ए, और लगभग इसी साइज़ का मैंने आर्टबोर्ड यहाँ पर ले लिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक इमेज डाउनलोड की थी ये मास्क के साथ और इंडिविजुअल फेसेस लेके मैंने एक और इमेज तैयार की है इन मास्क के ऊपर लगा के। ये मैंने फोटोशॉप में दो इमेजेस बनाई हैं। तो चलिए इनको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, दो इमेजेस को। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों इंपोर्ट कर ली हैं। ये दो इमेजेस हैं, अगर आप इसके अंदर जाके देखोगे तो ये दो इमेजेस आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो पहले मैं इनको अनग्रुप कर लेता हूँ, इनको आर्टबोर्ड पर लेके आ जाते हैं और इनका साइज़ हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा लगभग कुछ इस तरीके का व्यू बन चुका है। तो दो इमेजेस इसमें हैं अभी और इसके बाद हम एक ड्रैगर बना लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है और लाइन की थिकनेस मैंने कर दी है 5 और कलर मैंने ले रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ से मैंने इसको अप्लाई एज बॉर्डर कर दिया। और इसके बाद आप इस राउंड को रेड कर दें और इसकी आउटलाइन नन कर दें और यहाँ से आप ग्रिड ओपन करने के बाद यहाँ पे आप एरो बना सकते हैं। ये ट्रायंगल आप यहाँ से लेके और एरो बना लें। तो एरो भी हमारा रेडी है, इसको कॉपी करके फ्लिप कर दीजिए और इसकी आउटलाइन नन कर दें और इसको सेंटर कर दें। तो ये हमारा एक पार्ट बनके तैयार हो गया। इसको पूरा जो सेक्शन है इसको आप ग्रुप कर लें, ये मैंने ग्रुप कर लिया, इसको एक लेयर बना ली है और यहाँ से मैंने ये ग्रिड भी हटा दी। तो ये मेरा आउटपुट यहाँ पर रेडी हो गया है। तो यहाँ से मैंने ये जो मनी हाइस्ट का लोगो है ये मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और इस पर सिंपल मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब मुझे करना क्या है, ट्रांजिशन समझने वाली चीज़ है इसमें। इसमें ये दो इमेजेस हैं तो जो ऊपर वाली है उसको हम ले जाएंगे नीचे और जो ऊपर वाली ये ऊपर आ चुकी है जिसमें फेस रिवील्ड हैं तो ये हम रखेंगे ऊपर, क्योंकि हमें यही दिखानी है ड्रैग करने के बाद। एक बॉक्स ले लेते हैं इसी के साइज़ का और इमेज को बॉक्स के अंदर हम मास्क कर देते हैं। तो ये इमेज मेरी एक बॉक्स के अंदर मास्क हो चुकी है। अगर आपने इमेज ली है तो उसको बॉक्स के अंदर डालने का रीज़न ये है कि जब भी मैं इसे छोटा करूँगा तो ये देखिए इस तरीके से प्रोपोर्शनेट छोटी होगी और मुझे ऐसे नहीं करना है। तो इसको मैं पीछे ले जाता हूँ दोबारा और ये मैंने ऑलरेडी एक बॉक्स में डाल ली है। तो इसी को मैं कमांड सी कमांड वी, एक और मैंने कॉपी बना ली है इसकी, और जो ये पीछे इमेज है मैं इसको उठा लेता हूँ और कमांड एक्स और इस वाली के अंदर जाके ये जो मेरा बॉक्स है
इसके अंदर जाके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी, और इसके अंदर ये वाली जो इमेज थी ये मैंने डिलीट कर दी। तो अब हुआ क्या है, दोनों मेरी जो इमेजेस हैं दोनों बॉक्स के अंदर आ चुकी हैं और सेम पोजीशन पर हैं। अब आप देख सकते हैं ये इस तरीके से इसमें आउटपुट आ रहा है। तो ये वाली मेरी ऊपर रहेगी और मास्क वाली नीचे रहेगी, और इन दोनों को पकड़ के मैंने सबसे नीचे कर दी है। अब इसमें एक छोटा सा एनिमेशन करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर कमांड डी से इसको पूरे को कॉपी कर दिया है, और कॉपी करने के बाद अब मुझे इसमें ड्रैग कमांड लगानी है। तो मैं जाता हूँ सिंपल प्रोटोटाइप पर, और प्रोटोटाइप पे जाने के बाद मैंने इस एरो को पकड़ के इससे कनेक्ट कर दिया, और टैप ठीक है, ट्रांजिशन मैंने ऑटो एनिमेट कर दिया, और यहाँ से आप इसको ईज इन आउट कर सकते हो, और ट्रांजिशन आप इसकी जो ड्यूरेशन है वो इसको आप कर दीजिए 6, और सेम ट्रांजिशन आपको यहाँ पे देनी है इस आर्टबोर्ड को कनेक्ट करते हुए। तो सेम ही है यहाँ पे हमारी जो ट्रांजिशन है। तो ये दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। अब इसका जो लॉजिकल एनिमेशन है वो बनाते हैं। तो इस इमेज पे सबसे पहले हमें अनरिवील फेसेस चाहिए, तो ये जो रिवील फेसेस हैं इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, और जो बॉक्स हमने बनाया है उसको छोटा करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने इसको मास्क कर रखा है, और इसको हम इस लाइन से मिला देंगे, रेड वाली लाइन से मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारे अनरिवील्ड फेसेस दिख रहे हैं, और ये इमेज सिर्फ इतनी है। और दूसरी ट्रांजिशन में हम क्या करेंगे, हम इसको राइट की तरफ स्लाइड कर देंगे, और इस वाली इमेज पे डबल क्लिक करके इसको यहाँ तक स्प्रेड कर देंगे। तो अब ट्रांजिशन समझने वाली क्या चीज़ है इसमें, ये इमेज जब मैं ड्रैग करूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग करूँगा, तो ये जो मैंने इमेज छोटी की है इसको ड्रैग करते हुए यहाँ तक ये बड़ी करता हुआ लेके आएगा। तो उसका प्रीव्यू देखते हैं। ओके, अभी ये काम नहीं कर रहा है, इसमें देखते हैं हमने क्या प्रॉब्लम हुई है इसमें। तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि हमने टैप ट्रिगर छोड़ दिया है, और जबकि हमें ड्रैग करना था। तो ड्रैग मैंने यहाँ से ले लिया, और ड्रैग करने के बाद इसको भी मैंने ड्रैग ट्रिगर दे दिया, यानी कि टैप का मतलब है क्लिक करने पे, और अभी तो हमें यहाँ पर ड्रैग करना है। तो मैंने यहाँ से कमांड एंटर करके इसका एक प्रीव्यू देखते हैं। तो अब ये हमारा काम कर रहा है, देखते हैं फेस रिवील होगा या नहीं। यस, फेस हमारा रिवील हो रहा है, ये परफेक्टली हमारा ड्रैग काम कर रहा है। इसके बाद ये हमने इसमें लाइन भी रिवील कराई है, तो इसके लिए अभी हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम लाइन देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने सिंपल ये टेक्स्ट भी कॉपी कर लिया है, और इसके बाद इसको सिंपल रेडी करते हैं अपने एनिमेशन के लिए, सो दैट ये ड्रैग होके रिवील हो। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल बॉक्स बना लिया है, और बॉक्स बनाने के बाद मैंने एक इमेज, यही वाली इमेज कॉपी कर ली है एक, और कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको मैंने इसके अंदर मास्क कर दिया है, यानी कि एक ब्लैक पैच मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब इस ब्लैक पैच में मुझे टेक्स्ट भी लेके जाना है, तो कमांड एक्स, और इस मास्क के अंदर जाके मैंने टेक्स्ट भी पेस्ट कर दिया। तो ये ग्रुप मेरा बन चुका है, आप देख सकते हो कि ये ब्लैक पैच पे टेक्स्ट है, ठीक है। तो इसके बाद मैंने यही सेम चीज़ यहाँ से कॉपी की और यहाँ पर पेस्ट कर दी। और इसके बाद इसका एनिमेशन बनाते हैं। तो इसके अंदर जाके आपको करना क्या है, इसको इस तरीके से यहाँ तक लेके आना है, और यहाँ पे ये हमारी ओपन स्टेट बनी हुई है ऑलरेडी, तो इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने इसका साइज़ छोटा कर दिया, और ये जो हमारा ड्रैगर है इसको हम सबसे ऊपर लेके आ जाते हैं। तो क्विकली इसका एक प्रीव्यू देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। परफेक्टली इट्स वॉकिंग। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फेसेस और टेक्स्ट रिवील भी हो रहे हैं, और अनरिवील भी हम ड्रैग के थ्रू कर पा रहे हैं। तो बहुत ही अमेजिंग सा एक एनिमेशन बन के तैयार हो गया है, और भी इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं। अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ, ये तो मैंने एक थीम ले ली थी, जनरल थीम मैंने यहाँ पर ले ली है, लेकिन अगर आप इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहें तो इसके लिए अगर आपने देखा होगा कहीं पे वायर फ्रेम शो हो रखे होते हैं, और वायर फ्रेम के ऊपर ही ड्रैग करके वो डिज़ाइन में कन्वर्ट होते हुए चला जाता है, तो उस तरीके के डिज़ाइन में भी आप ये ड्रैग कमांड यूज़ कर सकते हो। और भी काफ़ी सारे यूजेस हैं, और टाइम टू टाइम उनके यूजेस भी और ज़्यादा देखते रहेंगे,
तो आज के लिए मेरी क्लास में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई हो, बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये जो सीरीज़ है ये भी काफ़ी अच्छी है, मनी हाइस्ट, तो आप देख भी सकते हैं इसको। सो आज के लिए अगर आपको ये क्लास पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब प्लीज़ करें। थैंक यू सो मच।